हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन ने मुजालिम की इंतहा कर दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि इनके सबर की वजह से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन और उसके लिए उस चीज को जाहिर किया जिससे वो डरा करते थे। और इसके मुतल्लिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फिरौन ने ख्वाब देखा, एक ड्रीम के अंदर उसने ये देखा कि एक आग बैतुल मुकद्दस से आई है और उसने तमाम किबतियों के घरों को जला दिया और सिर्फ बनी इसराइल के घर आप कह लें कि सलामत रहे, सरवाइव किए। अब आप सोचें कि इससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी आनी हुई और उसने हुक्म क्या दिया कि अब से जो बच्चा बनी इसराइल का पैदा होगा, क्योंकि इनके अंदर एक ये रवायत भी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिससे के हाथों फिरौन की हुकूमत का खात्मा होगा। अब मैंने आपको बताया था ना कि इन वाकियात में एक इंसानों की आप कह लें कि प्लान होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर होती है। अब यहां पे देखें, इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल का हर लड़का ज़िबा कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मसला तो ये है कि बार बार रुकना पड़ता है। आज का दौर जी बहुत मुश्किल है, दीन पे हम अमल कैसे करें? आप लोगों ने आज के हालात देखे हैं? आप लोग पता नहीं किस दौर में रहते हैं। आज दुनिया चांद पर जा रही है, कहीं पे स्पेस एक्स चल रही है और क्या चल रही है। आपको पता है कितनी एडवांसमेंट हो गई है दुनिया में? यह वो दौर नहीं रह गया। और आज तो इतना मुश्किल दीन पे अमल करना बना दिया हुआ, सोसाइटी नहीं जी आपको सर्वाइव करने देती। यहां पे जो हुक्मरान है वो बच्चों को जिबा करवा रहे हैं। अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचें, क्या एटलीस्ट इस वक्त में हमने कोई ऐसा सिनेरियो देखा है किसी मुल्क में या किस जगह पे? सोचने की बात है। कुछ अरसे बाद किप्ती आए इनके फिरौन के पास, उन्होंने कहा कि देखें आपने तो इस तरह से, तो बनी इसराइल के लड़के अगर सरवाइव नहीं करेंगे तो बनी इसराइल तो खत्म हो जाएंगे। और फिर ये जो हमारे, और ये इनसे बहुत आप कह लें मुश्किल काम लिया करते थे, बहुत मुश्किल काम लिया करते थे। और इसीलिए मैंने कहा कि उनको उनके पैसे भी नहीं दिया करते थे, यानी इस लेवल का जुल्म करते थे, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, फिर तो हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। तो फिर इसने हुक्म दिया कि चलो ठीक है, एक साल इनके लड़कों को छोड़ दो, जो भी बच्चा पैदा हो, बच्चियों को पहले उन्होंने कहा कि बच्चियों को एज इट इज छोड़ देना, कोई भी लड़का पैदा हो लड़के को ज़िबा कर देना। तो दूसरे हुक्म में उसने कहा चलो एक साल फिर बच्चों को छोड़ दो इनके, और दूसरे साल में कत्ल करते रहो। इसके लिए इसने कुछ औरतों की जिम्मेदारी लगाई, किप्ती औरतें ये बनी इसराइल के घरों में फिरती रहती थी और जहां पे कोई इन्हें हामिला औरत नजर आती ये उसके ऊपर आप कह लें कि आई रखना शुरू कर देती, और फिर जैसी बच्चा होता वो देखती कि आया ये लड़का है या लड़की है, और अगर लड़का होता वो खबर करती, फिर उन्हें सिपाही आते और बच्चे को जिबा करके चले जाते। किस लेवल का आप कह लें अजाब, हम तो सोच भी नहीं सकते किस लेवल की?